हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के एक और फ्रेश वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। मेरा नाम अमित है और आप देख रहे हैं एडवाइस एक्सप्रेस। दोस्तों, यदि आपका बैंक अकाउंट HDFC बैंक में है तो आप किस तरह से HDFC बैंक का इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी बना सकते हैं, आज की इस वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जैसे कि आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर हम बताते हैं, लॉगिन पर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर फिर से कंटिन्यू टू नेट बैंकिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको कस्टमर आईडी और यूजर आईडी है, तो अभी तक आपने कस्टमर आईडी डाल करके लॉगिन करता होगा, जिसे लॉगिन करते होंगे अभी तक आपने अपना कस्टमर आईडी डाल के लॉगिन करते होंगे। जैसे कि कस्टमर आईडी मान लीजिए आपका 11554599 इस तरह से होगा, तो आपको यहाँ पर अब इसे आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं, इस तरह से किस तरह से आप अपना यूजर आईडी बना सकते हैं। यहाँ पर यूजर आईडी बनाना बिल्कुल आसान है। जैसे कि यूजर आईडी मतलब यहाँ पर, जैसे कि यूजर आईडी आपका जब आप बना लेंगे तो आपको इस तरह से यूजर आईडी डालना पड़ेगा। आपको यहाँ पर अब जो आप डालते थे डिजिट में, आपको डिजिट में डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिजिट बार बार याद रहता नहीं है, आप भूल जाते होंगे, अपना कस्टमर आईडी भूल जाते होंगे। यहाँ पर यूजर आईडी हम किस तरह से बनाते हैं आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने गूगल खोल लिया और सर्च कर लेंगे HDFCBank.com। जैसे ही सर्च करेंगे आपको ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर से हमें लॉगिन करना होगा, तो हम फटाफट लॉगिन हो जाते हैं और यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन हो जाते हैं और कंटिन्यू टू नेट बैंकिंग कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह से नज़र आता है, यहाँ पर अपना यूजर आईडी चेंज करना चाहते हैं। आपको जो यूजर आईडी मिला होगा बाय डिफ़ॉल्ट नेट बैंकिंग चलाने के लिए HDFC बैंक की तरफ से, वह अंक में होगा, यानी कि 532 या 545 इस तरह से होगा, या 5575 इस तरह से होगा। लेकिन आप उसे चेंज करके अपने मन से बनाना चाहते हैं यूजर आईडी, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए लिखा गया है पर्सनलाइज, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक यूजर आईडी बनाने के लिए यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर यूजर आईडी आपको 5 से लेकर के 15 कैरेक्टर तक का होना ज़रूरी है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यूजर आईडी बना लेंगे। चलिए हम यूजर आईडी बना लेते हैं। यहाँ पर नीचे कंफर्म कर लेना, जो आपने टाइप किया था ऊपर में, नीचे में भी सेम टू सेम टाइप कर लेना। आप स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार से अपना यूजर आईडी बना सकते हैं। इस तरह से यूजर आईडी बना लीजिए, इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को बताना ज़रूरी है कंटिन्यू पर क्लिक करने से पहले, कि आपने जो यूजर आईडी एक बार बना लिया इसे आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। जो आपका यूजर आईडी बनेगा, ध्यान रखेंगे कि आपको यह यूजर आईडी आपका हमेशा रहेगा, इसलिए आप इस बात को अच्छी तरीक़ा से समझेंगे। तो आप भली बात ही अच्छा तरीका सोच लीजिए कि क्या यूजर आईडी बनाना है, इसके आगे कंटिन्यू करना है। चलिए, हमने जो यूजर आईडी बनाया है ये हमें हमेशा के लिए रखना है, इसलिए हम इसे रहने देते हैं और यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ से कन्फर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर से मैसेज आ गया है, दी यूजर आईडी वन सीट कैन नॉट बी मॉडिफाई, यानी इस यूजर आईडी को आप दोबारा मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। चलिए, हमें मॉडिफाई नहीं करना है, कंटिन्यू कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, आपको इस तरह से नज़र आता है, यहाँ पर योर यूजर आईडी इज नो सेट सक्सेसफुल यहाँ पे लिखा गया है। यू कैन यूज यूजर आईडी टू लॉग इन टू नेट बैंकिंग, यह यूजर आईडी जो आपका यहाँ पे बन चुका है, अब इस यूजर आईडी से आप नेट बैंकिंग लॉग इन कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।